यहाँ भीड़ लग गई एकदम। पहला हल्दी है, पहला हल्दी। जय 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 माई जय दुर्गा मैया की जय। शिवाय, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ। मैं ऐसा हल्दी मतलब शादी छोड़ो, शादी वादी फेल है मतलब एकदम। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बस दो मिनट मैं कहीं बाहर खड़ी थी, सब हल्दी लगा के जा रहे थे, तो मैंने पूछा क्या हो रहा है, तो पता चला कि शंकर जी का कल शादी है, तो इसलिए हल्दी लगाई जा रही है। मैं तुरंत भागी भागी आई। अच्छा। राम राम दोस्तों, क्या हाल है सभी के। बनारसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। और कल है महाशिवरात्रि। अब देखिए वीडियो कब तक पोस्ट होता है, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पोस्ट करने, क्योंकि फिर भी ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो शिवरात्रि का ही दिन होगा आप देख रहे होंगे जब, तो रात में कर नहीं सकते पोस्ट। फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे, बाबा की हल्दी है, जैसे कि हर रसम होता है बाबा की बारात निकलेगी कल शिव बारात। हाँ, महाशिवरात्रि पर दो जगह से निकलती है, भंडेश्वर से केदार जी, फिर मैदागिन साहब को उधर से उठती है। हाँ, तो क्या है कि बारात तो बहुत देखे लेकिन हल्दी नहीं देखा कोई, तो हल्दी हम लोग दिखाएंगे इस वीडियो में आपको, बाबा की हल्दी। और होती तो हर जगह ही है, कहीं छोटे में कहीं ज्यादा में, और धीरे धीरे यही सब चीज़ प्रचार प्रसार माध्यम रहा है जिससे लोग जाने हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे दुर्गापुर मंदिर चलेंगे, वहाँ पे शाम में शिवा महादेव जी हैं जिनका अभी हल्दी है 5 बजे से, तो वहाँ लेकर चलेंगे आपको, हल्दी रसम दिखाएंगे। और अभी हम लोग समय सिद्धेश्वर महादेव जी में खड़े हैं। ये मंदिर कुछ हम दिखाएंगे क्योंकि इस मंदिर को हम अपने तरह से दिखाना चाहते हैं, इसका अलग वीडियो आएगा, ठीक है। तो अभी दिखाई फिर, लेकिन ये सब सजा वजा है हर मंदिर में, इसी तरह से सब कुछ एकदम सजा आपको मिलेगा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। चलिए अब चलते हैं फटाक से। बाबा की हल्दी है आज, और अभी आप जो देख रही है दुर्गा कुंड है, बगल में यज्ञ चल रहा है। आइए आपको थोड़ा हम मंदिर दिखाते हैं। ये देखिए, ये दुर्गा कुंड मंदिर है और बगल में ये यज्ञ चल रहा है, राम कथा चल रही है, और यहीं पे शाम शिवा महादेव है। बाबा की हल्दी है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारे शाम शिवा महादेव, अभी यहाँ पे हल्दी खेली जाएगी। ये देखिए वैष्णो माता मंदिर, बस इंतजार की घड़ी हुई खत्म। चलिए अंदर लेके चलते हैं, और तैयारियां जैसे कि पूरी हो गई है, समय दिया गया था 5 बजे का, 5:30 हो गया, और अभी लगभग लोग सब लोग आ भी गए हैं। पहले बाबा के दर्शन करिए, श्री शाम शिवा महादेव, इनकी महिमा तो अलग है, इनकी महिमा आपको वीडियो के एंड उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तब इनकी महिमा बताएंगे। अभी देखिए श्रृंगार किया गया कितना भव्य तरीके से, ये देख रहे हैं। और इधर पीछे नवग्रह हैं, इधर भी नवग्रह हैं, सूर्य भगवान हैं, राधे कृष्ण जी हैं, और ये देखिए हल्दी की तैयारियां चल रही हैं, और हमारे सब भाई साहब लोग यहाँ मौजूद हैं। चलिए हल्दी की तैयारियां यहाँ से शुरू होती हैं, और बाबा की हल्दी आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। पूरी कोशिश ये भी रहेगी कि जल्द से जल्द धीरे धीरे ये विश्वविख्यात हो, क्योंकि होती तो है हर जगह लेकिन अभी तक से ये सब चीज़ कोई दिखाया नहीं था, तो इसको मैं अपने चैनल के जरिए दिखा रहा हूँ। बाबा की हल्दी है, चलिए बाबा की हल्दी यहाँ प्रारंभ हो रही है। जय 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 जय, उर्वारुकमिव वरदानम् मृत्योर्मुक्तिर्वरदानम्।
मजा आ गया बाबा, हम उतर ही रगड़ दे यार, खाली वीडियो के चलते हम रगड़ ही नहीं पाए बाबा को। Yeah.
शादी करते करते माई एकदम स्वयं प्रकट हुई। भीड़ लग गई एकदम। पहला हल्दी है, पहला हल्दी। जय 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 माई, जय जय दुर्गा मैया की, जय भद्रकाली की, जय माई। माई माँ थोड़ा आशीर्वाद दीजिए माँ। जय 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 ये बाबा की पहली हल्दी है, ये पहला हल्दी हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। दूसरा साल माई मंदिर को पहले, लेकिन स्वयं जागृत मंदिर है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। अब स्वयं चमत्कार देखिए, माई आ गई स्वयं यहाँ पे, और वही भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। जैसे ही माई ने दर्शन दिया तुरंत भीड़ हो गई, काली का रूप लेके एकदम आ गई है, और मतलब उनको देखते यहाँ सब लोग इमोशनल हो गए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये हल्दी जितना मेरे चेहरे पे लगा उतना मेरे मोबाइल पे लगा हुआ है। और ये जो देख रहे, कोई किसी को बुलाया नहीं है, स्वयं हो रहा है। बम्मा मजा आ गया गुरु, मजा आ गया हल्दी में। इसीलिए कब से एक्साइटेड तो समझ में हमको नहीं आ रहा था, काहे इतना एक्साइटमेंट हमको है। जय जय माई, जय जय। हमको हमको बहुत गजब दर्शन हो रहा है, तुमको भी समझ में नहीं आएगा, गजब तरीके से दर्शन हो रहा है। हमारी सवारी ले ली है, भीड़ लग गया है, और भीड़ को कोई उम्मीद नहीं कर, हमको खुद ही उम्मीद तक पता नहीं कहा इतना एक्साइटेड है हल्दी को लेकर, इतना ज्यादा हमको एक्साइटमेंट क्यों था। फोन कर करके सबको बुला रहे थे कि आइए, पानी मिला, इसीलिए सारी एक्साइटमेंट। उनके ऊपर देखिए चढ़ रही है माई। नींबू नींबू नींबू, गए हैं लेने, गए हैं। What up?
अब लेट कर दिए। अरे नींबू कौन लेने गया? नींबू दे, नींबू लाने का है आप इतना देर तो दूर पे नहीं यहाँ है भी नहीं। आइए भैया, निकलते रहिए निकलते रहिए। पास किसी को नहीं, दो लोग गए हैं, नींबू चाहिए उनको। काली जी ना चढ़ी, काली माई चढ़ी, उनको नींबू चाहिए। पानी मिला? चक्कू भी खोज लो, काट के देना होगा। नहीं मां, नहीं मां, आ रहा भाई। मलिक नींबू के लिए निकल गया, नींबू। जय काली भैया की, जय भैया की, भाई महादेव माई माई काली, जय काली माई, जय काली मैया की, काली मैया की, जय हो माई दुर्गा मैया की, जय नमो पार्वती। माई कैसा लगा माई का दर्शन करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ना। वीडियो सबमिट करके भेज दिया। जाइए 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 यार, जल्दी जाइए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई आराम से करे, समय भाग नहीं रहा बाबा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। फिर से लगाइए, फिर से लगाइए, कई बार लगाइए। अरे अरविंद जी लगाइए लगाइए लगाइए, कहीं से बचे ये? नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा पूजा करो, सेल्फी रख लो, पूजा करो, पूजा करो। अरे करे ना मालिक, सब बाबा की मर्जी से हो रहा है। Hare Hare Mahadev।
हर हर भोले नमः शिवाय। मनोभूत
चाहती मतलब मुझे बहुत अच्छा लग गया है। आई थिंक मुझे लगता है जितने लोग यहाँ आते हैं ना सबको काशी नगरी इतनी भा जाती है कि कोई जाना ही नहीं चाहता है यहाँ से। ये मेरी फ्रेंड है एक तरीके से। मतलब बताइए अपना ये सबको हल्दी जबरदस्ती ये सबको इतना हल्दी लगा रही है कि पूछिए मत एकदम बोली। आज महादेव की शादी है, महादेव घोड़ा चढ़ रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। महादेव घोड़ा चढ़ रहा है, महादेव बराती है, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बैठ गए हमारे बहुत करा बारात के लिए, बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा। चलिए मिलते हैं।
रखा गया है बाबा का श्रृंगार। असल में टाइम कम हो गया, नहीं तो और भव्य श्रृंगार होता। अब आप बताइए कैसा लगा आपको? सबसे क्वेश्चन करो, गुरु जी से पूछेंगे कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। गुरु जी सोचे नहीं थे, आप भी कोई नहीं सोचा था कि इस तरह से हो पाएगा। मैंने तो कल्पना ही नहीं किया था कि इतना बढ़िया हो जाएगा, जिसका शब्द ही नहीं है, अद्भुत है। गुलाल लगा नहीं सही से बहुत लोगों को अभी। महादेव महादेव आइए। लगा नहीं है, ये तो इतना मजा ना अपने हल्दी में, बाबा की हल्दी में चली। ये हल्दी का रस्म तो हुआ, होली का भी रस्म, रंग भरी का क्या कहेंगे? चलिए और महादेव आया ना, चलिए ठीक। अभी बाबा की आरती हुई और आरती आप लोगों ने देखा, और सबसे पहले हल्दी हुई, और मतलब विश्वास मानिए कि ऐसा यहाँ जितने भी लोग हैं कोई नहीं सोचा था कि बाबा की हल्दी इस तरीके से होगी, और इतना बढ़िया सा हल्दी रसम पूरा हुआ बाबा का। जैसे कि मतलब अभी रिव्यू में देखा होगा, एक लेडी ने बोला था कि अरे अब शादी ब्याह का हल्दी छोड़िए, बाबा का हल्दी देखिए, इतना बढ़िया तरीके से हल्दी हुआ है। गुरु जी क्या कहेंगे इसमें, मतलब आपके मन मुताबिक हुआ कि नहीं? शब्द ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है, अद्भुत हुआ, अद्भुत एकदम। तो सोचे नहीं थे हम लोग उस तरीके से हो गया, क्या क्या नहीं हुआ हल्दी में, सब हो गया। महादेव की कृपा है, इतना अद्भुत हुआ है। सही बात है। और भी यहाँ लोग सबसे जानेंगे, बताइए कैसा लगा? मेरे जीवन का, मैं 5 साल 7 साल से बनारस हूँ, मेरे जीवन का ये सबसे अद्भुत अद्भुत हल्दी है बाबा। अभी अक्सर देखिए हल्दी रस्म तो होता है लेकिन बड़े छोटे में होता है पता नहीं चल पाता, पब्लिकली नहीं किया गया। ये वीडियो अगर पब्लिक हो जाए आप लोग की कृपा से शेयर करिए, ताकि अगले साल और बढ़िया हम लोग तरीके से करें। कैसा लगा, मजा आया? बहुत मजा, इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। सौभाग्यशाली अभी हम बता सौभाग्यशाली कि हमें ये हल्दी, अभी ये हुआ कि अभी हम लोग यहाँ से गए, जहाँ जब भैया कहाँ हल्दी हो रही, दुर्गा जी गए वहाँ पूछे तो भैया हल्दी चल रही कि खत्म हो गया? भैया खत्म हो गया हल्दी, 5 मिनट के अंदर जो खत्म बन गया था एकदम, मजा आ गया, मजा आ गया। काश तुम भी कुछ कहना चाहोगे? चलिए तब बाबा के इस वीडियो को यही एंड करेंगे, बस एक बार नारा लगा के नारा लगा देते हैं एक बार बाबा का। कैसा लगा भी हल्दी आप देखें? एकदम देखे, बहुत अच्छा लगा। ये काशी की पुरानी परंपरा है, इस परंपरा को देखते हुए बहुत अच्छा है, किसी तरह चलते रहे। तो अभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे भी नया मंदिर बना, हालांकि यहाँ की मान्यता अलग है, ये लोग अभी जानते नहीं। इसमें हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि यहाँ की मान्यता है क्या है, इसका मान्यता अलग है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे काली जी जब स्वयं आ गई, माई के उसमें अवतार आ गया, उसमें फिर उसकी बात ही क्या कहे। तो अभी आप थे जब ये आरती हो रही थी? नहीं, जब हो रही थी तो मैं नहीं था, लेकिन मैंने एक लोगों के स्टेटस को देखा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
नया मंदिर है, लेकिन यह मरगज का शिवलिंग है। मरगज के शिवलिंग में शिव और पार्वती दोनों एक साथ निवास करते हैं। धरती के तीन ही शिवलिंग ऐसे हैं, नर्मदेश्वर, मरगज और स्वयंभू शिवलिंग, अन्य किसी में एक साथ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये चीज जो अभी गुरुजी ने बताई है, मैं बताने वाला था, लेकिन अब इसको अलग वीडियो बनाएंगे, यहाँ की मान्यता बताएंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल अभी यही व्लॉग एंड करते हैं और सब लोग एक बार आ जाइए, खत्म करते हैं व्लॉग को यहीं पे। गुरुजी मेरे इधर है, गुरुजी आइए आइए, खत्म किया जाए वीडियो को, नारा लगा दिया जाए बाबा का, आइए। नमः नमः पार्वती पाते हर हर महादेव। अब शिवरात्रि पे मिलेंगे आपसे, यानी कि कल। हर हर महादेव।